हाई एवरी वन वेलकम ऑन माई यूट्यूब चैनल मैं हूँ सोनम चौधरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टाइल विद मिसेिस गोयर पर इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहती हूं कुछ फ्रॉक डिज़ाइंस कॉटन फ्रॉक डिज़ाइंस जो छोटी बच्चियों के लिए स्कूल गोइंग गर्ल्स के लिए कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए अप्रोप्रिएट है समर में हम लोग अगर रेडीमेड कपड़े नहीं खरीदना चाहते कुछ इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो ये डिज़ाइंस हैं आपके लिए आप इस तरीके से फैब्रिक खरीद कर मार्केट से मिक्स एंड मैच करके अपने बच्ची के लिए अच्छा सा ट्रेंडी फ़्रॉक बना सकते हैं जो उसके लिए कंफर्टेबल भी रहेगा जिसमें कस्टमाइज्ड ड्रेस की के अकॉर्डिंग फिट भी अच्छी रहेगी और जो आपके बच्चे के लिए थ्रू आउट दी डे कंफर्टेबल रहेगा तो चलिए चलते हैं हमारे डिज़ाइंस की तरफ देखते हैं डिजाइन ये फ्रॉक मल कॉटन में बनाया गया है इसमें तीन डिफरेंट प्रिंट यूज़ किए हैं ये एक प्रिंट है ये एक प्रिंट है एंड देन ये एक प्रिंट है इसमें योक काटा गया योक एंड स्लीव्स इसी में है मल कॉटन क्योंकि थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होता है इसलिए लाइनिंग यूज़ की गई है कॉटन ही लाइनिंग यूज़ की गई है और ये योक पैटर्न में इस तरीके से ये प्रिंट यूज़ करा है एंड देन इसके बाद ये छोटा प्रिंट है एंड देन इसके बाद इसकी टायर्ड है और इसमें काफ़ी अच्छा खासा घेर है ये कम से कम 2.5 मीटर मटेरियल लगा है खाली इस फ्लेयर में और थोड़ा बहुत यहाँ पर यूज़ किया गया है टू मीटर ये वाला फैब्रिक यूज़ किया गया है ये बस थोड़ा सा इधर भी है एंड वन मीटर ये यूज़ किया गया है तो इसमें अप्रॉक्सीमेट फाइव पॉइंट फाइव मीटर फैब्रिक लगा इस फ्रॉक में बहुत कम्फर्टेबल ड्रेस है बच्चों के लिए क्योंकि सॉफ़्ट मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है मटेरियल की जो कंपोजिशन है वो बहुत मैटर करती है सिंथेटिक मटेरियल बहुत अनकंफर्टेबल रहता है तो इस तरीके से आप कॉटन मटेरियल ख़रीद कर इस टाइप के डिज़ाइन आप बच्चों के लिए बनवा सकते हो फ्रॉक में छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं गर्ल्स के लिए इस तरीके के आप डिज़ाइन बनवा सकते हो बहुत अच्छा लगता है इसका घेर काफ़ी है काफ़ी घेर है इसका और बहुत प्यारा डिज़ाइन है ये इस तरीके से इसकी जो टायर्ड है ये इस तरीके से यूज करी गई इसमें भी डिटेलिंग इसकी इस तरीके से डाली है इसमें कॉटन लाइनिंग यूज की गई है ओवरऑल डिजाइन ऐसा दिखता है छोटी बच्चियों के लिए आप कॉटन के फ्रॉक ऐसे बना सकते हैं ये सूट सेट का कपड़ा है जो मैंने ये एक अलग नया ये अलग प्रिंट खरीदा है और ये अलग प्रिंट खरीदा है इसमें मैंने सूट का एक कुर्ता सेट भी बनाया है तो ये सिंपल कॉलर दिए हैं शर्ट कॉलर है एंड स्लीव स्लीव्स के ऊपर ऐसे फोल्डेड पट्टी दी गई है एंड ये पीछे की टाई बेल्ट है एंड ये बॉक्स प्लेट में है सिंपल है एंड साइड में पॉकेट है बच्चों के लिए समर अप्रोप्रिएट है समर में इस तरीके के कॉटन कुर्ता उनके लिए डेलीवेयर में बहुत अच्छे रहेंगे बहुत स्मार्ट लगता है पहना हुआ आप किसी भी अपने सूट सेट में से या कॉटन के डिफरेंट प्रिंट लेकर जो एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट करें इस तरीके से बनवा सकते हैं सिंपल डिज़ाइन है इस तरीके का फ्रॉक आप किसी भी टेलर से स्टिच करा सकते हैं ये बॉक्स प्लेट में है अप्रॉक्सीमेट टू पॉइंट फाइव मीटर फैब्रिक आपका नीचे लगा है एंड वन मीटर के अप्रोक्सीमेट इसका यॉक में है ये थ्री और थ्री पॉइंट फाइव डिपेंडिंग ऑन दी साइज और आ, ग्रोथ ऑफ दी एज के हिसाब से आपको फ्रॉक कैसे बनाना है कैसे उसके हिसाब से आपके मीटर वाइज़ कपड़ा लगेगा फ्रॉक भी कॉटन मटेरियल में है और ये दो डिफरेंट प्रिंट में बनाया गया है एक स्ट्राइप्ड है और एक बॉबी प्रिंट है इसका जो नेक है योक पैटर्न में एक तरफ वर्टिकल और एक तरफ हॉरिजॉन्टल लाइंस में बनाया है ताकि एक डिफरेंट सा लुक आ जाए लाइन का और इसकी स्लीव्स इस तरीके से हैं इस पर वुडन बटन लगा दिए गए हैं ये है आपका लुक और फ्रॉक में वो भी ये भी टायर्ड में है एंड ये टाई बेल्ट है इसका बेस लाइन पर वी नेक है बहुत अच्छा है इसमें भी घेर है इसमें 4.5 मीटर फैब्रिक यूज किया गया है ये दो मीटर आपका फैब्रिक मीटर वाइज डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर कि आप कितना छोटा और कितना बड़ा फ्रॉक बना रहे हो उसके हिसाब से आपका कम ज़्यादा हो सकता है आप मार्केट से इस तरीके के दो अलग अलग प्रिंट के कपड़े खरीद कर ऐसे ही अपने टेलर या अपने किसी भी खुद से भी बना सकते हैं इस तरीके से आप फ्रॉक है ना घर पे ही बना सकते हैं मार्केट में क्योंकि हम लोग जानते हैं रेडीमेड बच्चों के कपड़े बहुत एक्सपेंसिव आते हैं तो ये कपड़े बच्चे के लिए कंफर्टेबल भी हैं क्योंकि हम मटेरियल खुद से चूज़ कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि कितना कंफर्टेबल रहेगा थ्रू आउट दी डे बच्चे आराम से फ्री होके पहन सकता है ये देखिए वी नेक है रेडीमेड कपड़ों में क्योंकि मार्जिन वगैरह भी नहीं मिलती है इसमें हम आप टेलर मेड में क्या करते हैं कस्टमाइज़ जो ड्रेसेस होती हैं उसमें अपने हिसाब से मार्जिन डलवा सकते हैं ताकि बच्चे बढ़ते वगैरह रहते हैं तो उनको काफ़ी टाइम तक वो यूज़ कर सकते हैं वो फैब्रिक सॉरी टेलर मेड कपड़ों में कस्टमाइज फैब्रिक कस्टमाइज कस्टमाइज ड्रेसेस में ये चीज़ अच्छा है कि आप उसमें मार्जिन डलवा सकते हैं और बच्चे उसको आराम से कुछ लॉन्ग टाइम तक यूज़ कर सकते हैं रेडीमेड में कोई मार्जिन नहीं रहती है और वो बच्चों को बहुत जल्दी छोटे भी हो जाते हैं तो इस तरीके से आप कॉटन फैब्रिक खरीद के इस टाइप के आप फ्रॉक बनवाइए बहुत अच्छे रहेंगे और कंफर्टेबल भी रहेंगे आई होप आपको सारे डिज़ाइंस अच्छे लगे होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको डिज़ाइंस कैसे लगे मेरे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करिएगा और किसी भी रीज़न पे अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर करके जाइएगा तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग डिज़ाइंस के साथ किसी अच्छे कंटेंट के साथ तब तक के लिए बाय